अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी रिदम के बारे में, जे डॉट की, और आज इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे टेंथ दी इरा के बारे में, जे डॉट की। डिस्कशन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे कई व्यूवर्स ने इनमें से नंबर मेरा पर्सनल मांगा है, मैंने उनको दिया है, वो मेरे से डिस्कशन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी ना मसरूफियत वाली मेरी शेड्यूल होता है, तो अब मुझे कई दोस्तों ने ये भी पूछा कि हमारे सिटी में ये इसके स्टोर कहाँ पे हैं। देखें, मेरा उनके सिटी में मेरा चक्कर नहीं लगता, तो मुझे आइडिया नहीं है कि फलां सिटी में या फलां सिटी में या फलां सिटी में वो स्टोर कहाँ पे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, और उसी साइट पे आप स्टोर लोकेटर के अंदर आप स्टोर अपने एरिया का चेक भी कर सकते हैं, या आपका नियरेस्ट स्टोर जो है वो आप इसे चेक कर सकते हैं, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। चलें, डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम टेंथ दी इरा के बारे में। शाहिद अफरीदी की फ्रेगरेंस है और जे डॉट की पार्टनरशिप के साथ इन्होंने रिलीज़ किया है। बैट बनाया है इन्होंने, बेसिक अच्छा बनाया है, बॉटलिंग अच्छी बनाई है, खूबसूरत बॉटल बनाई है। फ्रेगरेंस में इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं वो इसमें फ्रेश भी हैं, फ्रेशनेस नोट्स भी हैं, स्पाइसी से नोट्स भी हैं और मस्की से टोन भी हैं। जो इसके टॉप नोट्स हैं उसमें इसमें बर्गमोट को इस्तेमाल किया गया है और इसमें वेटिवर को इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इसके जो मिडल नोट्स हैं वो इसमें स्पाइसी से टोन्स हैं, उसमें इसमें रेड पेपर को भी इस्तेमाल किया है, यानी कि लाल मिर्च को, और वनीला को भी इस्तेमाल किया गया है, वो भी स्पाइसेस की फैमिली से है। जो इसके बेस नोट्स हैं वो इसमें जो हैं अंबर है और मस्की टोन है। मैंने इसको प्रॉपर टेस्ट किया है, मुझे कई दोस्तों ने कहा था कि ये क्रीड की एवेंटस से मिलती है, और कई दोस्तों ने कहा था ये सिदरत बॉयस मानसेरा से मिलती है, तो मैंने दोनों से इसको टेस्ट किया है, ये दोनों से ही नहीं मिलती, बल्कि एक इसकी एक है इडन रोब की टाइमस, ये भी वेटिवर बेस्ड है, मैंने इसको भी टेस्ट किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो फ्रेगरेंस इन दोनों की चेंज है। तो कुछ कम्प्लीमेंट मुझे इससे मिले, कुछ कम्प्लीमेंट मुझे इससे मिले, यानी कि 50-50 रहे हैं। बाज़े लोगों को ये पसंद आई है, बाज़ों को ये पसंद आई है, फ्रेगरेंस दोनों ही ठीक हैं। बहरहाल ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर एक रिव्यू बनाएंगे, ये क्या चीज़ है कैसे है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आज हम डिस्कशन इस भी कर रहे हैं इसके जो है ना, लगाने के टॉप नोट्स के बाद जो इसका मतलब स्मेल आती है वो ज़रा स्मोकी सी, स्पाइसी सी स्मेल आती है, पावरफुल सी स्मेल है, और मैच्योर पर्सन के लिए स्मेल है। उसके बाद जो इसमें जो बेस नोट्स हैं वो इसमें मस्की सी टोन आते हैं। अच्छा, इसके जो टॉप और मिडल और बेस नोट्स हैं ना वो एकदम आगे चेंज कर जाते हैं। आप लगाते हैं 10 मिनट के बाद टॉप नोट्स फिनिश हो जाते हैं, उसके अगले 10 से 15 मिनट बाद ये मिडल नोट्स भी फिनिश हो जाते हैं, फिर बेस नोट्स पे ही काम चल रहा होता है। नहीं तो फ्रेगरेंस होती है 10 से 15 मिनट लेती है, 20 मिनट के आसपास लेती है टॉप नोट्स में, फिर अगले कुछ टाइम में जाती है घंटे डेढ़ के अंदर मिडल नोट्स को फिनिश करती है, फिर बेस नोट्स में आती है, ये एकदम ही चेंज कर जाती है। फ्रेगरेंस अच्छी है, अपीलिंग है, मैच्योर फ्रेगरेंस है, बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है इसकी। प्राइस रेंज इसकी 4950 रुपीज़ है, 5000 करीब। तो फ्रेगरेंस के बारे में मैंने जिससे भी डिस्कशन की है ना इसकी, तो उसके बारे में उन्होंने इसको कहा कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत एक्सपेंसिव आइटम है। रिसेंटली रिलीज़ किया इन्होंने मई में रमज़ान के अंदर, तो मैंने इसको टेस्टिंग अच्छी तरह से किया है, मुझे इसकी प्राइस जस्टिफाई नहीं लगती। जैसी ये फ्रेगरेंस है ना वैसे इसकी प्राइस नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई है। और जे डॉट से मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें उन्होंने बेहतरी की है, क्योंकि इनकी जितनी भी फ्रेगरेंस हैं टॉप नोट्स इनके सामने तकरीबन सारों की ना सिट्रसी स्मेल्स हैं, मिलती जुलती मतलब डिफरेंस तो है, लेकिन टॉप नोट्स इसके जो है ना वो सारे सिट्रसी स्मेल है, कुछ डिफरेंट वर्क नहीं किया इस पर। परफॉर्मेंस इसकी जो है, परफॉर्मेंस मैंने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से टेस्ट किया है, मैंने आउटडोर में भी इस मौसम में चेक किया, इंडोर में भी चेक किया, परफॉर्मेंस में ये बिल्कुल ही ज़ीरो है। ज़ीरो इस तरह है कि 1 से 2 घंटे इसकी मतलब प्रोजेक्शन है, और 2 से हार्डली 3 घंटे इसकी जो है वो इसकी लास्टिंग है। जैसी होनी चाहिए थी प्राइस के हिसाब से वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे प्राइस इस पर जो है ना आगे भी डिसअपॉइंटिंग हुई है, इसे ना उम्मीदी सी मायूसी सी हुई है कि ये क्या काम कर रहे हैं, इसकी फ्रेगरेंसेस कैसी हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है और मेरे कई दोस्तों ने कहा कि यार इसे छोड़ दो, ये फ्रेगरेंसेस लेने वाली नहीं है, ये बकवास चीज़ें बना रहे हैं। कई दोस्तों ने मुझे कहा है, ये मेरी अपनी राय भी है,
कि इनकी फ्रेगरेंसेस काम नहीं करती इसके मुकाबले में, और हमारे जो ब्रांड्स हैं मैंने उनको भी चेक किया, वो बड़ी अच्छे फ्रेगरेंसेस बना रहे हैं, प्राइस रेंज भी इससे कम है, प्राइस रेंज में भी इससे कम है, और जो क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं वो भी बेहतर लगी, मुझे तो बेहतर लगी। बारकैफ फ्रेगरेंस अपीलिंग है, परफॉर्मेंस इसकी ज़ीरो है, प्राइस इसकी बहुत हाई है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, जो चीज़ जो वर्क जो ये देती है वो ये जस्टिफाई नहीं करती प्राइस को। ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक हमें दोस्त ने एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि कैसिनोवा को बनाएं, कैसिनोवा इंशाल्लाह प्रॉपर टेस्ट करके आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह कैसिनोवा की वीडियो देंगे। तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।